रोड के किनारे किनारे चलकर देखना, रोड के किनारे किनारे जितने पेड़ लगे होते हैं उन पेड़ों पर वन विभाग वाले कलर पोत देते हैं। देखा है आप लोगों ने उन रोडों के किनारे पर जितने पेड़ लगे हुए हैं, जितने वृक्ष लगे हैं, उस पर उन्होंने कलर पोत दिया। कोई पे सफेद, वन विभाग का जो भी कलर होता है वो उस पर पोत दिया जाता है। अब जब कलर पुत गया पेड़ के ऊपर, वृक्ष के ऊपर कलर पुत गया, तो वो पेड़ किसका हो गया? वो तुम्हारा है क्या? जम के तो बोलो। नहीं, किसका है? सरकार का। वन विभाग का हो गया, सरकार का हो गया। सरकार ने इसीलिए, तुम जब वोट डालने के लिए जाते हो तो तुम्हारी उंगली पे भी कलर लगा दिया जाता है कि तुम इतनी देर के लिए सरकार के हो। जब तुम्हारी उंगली पर कलर लगाया तो उतनी देर तुमने मतलब सरकार का काम किया, तुमने वोटिंग करी, उतनी देर तुम सरकार के हो। पेड़ पर कलर लगा दिया, वृक्ष पर कलर लगा दिया, वृक्ष पर कलर पोता तो ये मालूम पड़ जाता है कि ये सरकार का है। उसी तरह जैसे पेड़ पे कलर देखकर पहचाना जाता है कि ये सरकार का है, उसी तरह हमारे गले में जब रुद्राक्ष की माला होती है या तुलसी की माला होती है या मस्तक पर तिलक होता है तो पहचान जाता है कि ये भोलेनाथ का है। पेड़ सरकार का है तो अपन भी उस सरकार के, अपन भी उस परमात्मा के। और जब अपन स्वयं परमात्मा के हो गए तो शिव पुराण कहती है, एक बार किसी का होकर देखो वो तुम्हारा होकर रहेगा। एक दरवाजे पर 4 बजे गाय को रोटी मिलती है। कितनी बजे? 4 बजे। प्रैक्टिकल करना, सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा है, प्रैक्टिकल करते रहना चाहिए, प्रैक्टिकल करने में पीछे नहीं हटना। एक गाय माता को, गौ माता को 4 बजे दरवाजे पर रोटी मिलती है। गौ माता कहीं पर भी घूमती रहेगी पर 4 बजे वहां पर पहुंच जाएगी। आप लोगों ने देखा होगा आपके यहाँ अगर 12:30 बजे रोटी मिलती है तो वो 12:30 बजे ही पहुंचेगी, 1 बजे रोटी मिलती है तो वो 1 बजे पहुंचेगी, 5 बजे रोटी मिलती है तो वो 5 बजे पहुंचेगी। ये गौ माता का नियम है, वो घड़ी नहीं बांधती, इसके बाद भी समय पर वो तुम्हारे दरवाजे पर खड़ी मिलती है। क्यों? क्योंकि तुमने उसको रोटी दी तो वो अपना कर्जा चुकाने के लिए, अब वहां दरवाजे पर रोटी मिले चाहे ना मिले, वो 4 बजे आकर खड़ी हो गई। खड़ी हो गई, उसने तुम्हारे घर की ओर मुख करा, तुम्हारे घर की ओर देखना प्रारंभ करा। अब तुम समझ रहे हो कि वो 4 बजे उसको रोटी मिलती थी तो वो 4 बजे रोटी लेने के लिए आई है? ना ना ना, वो अपना कर्जा चुकाने के लिए आई है। 4 बजे आके वो तुम्हारे दरवाजे पर खड़ी हो जाती है। शास्त्र कहता है गौ माता का मुख जिस दरवाजे की ओर होता है और गौ माता दरवाजे की ओर खड़े होकर जितनी देर श्वास लेती है उतनी देर घर में जो नेगेटिवता रहती है, जो दुख, जो तकलीफ, जो कष्ट रहता है, गौ माता उसको श्वास के माध्यम से खींच लेती है। अब तुमको क्या लग रहा है कि वो 4 बजे रोटी मिलती थी इसलिए वो 4 बजे आ गई, 5 बजे रोटी मिलती थी तो 5 बजे आ गई? तुम भले रोटी मत दो, वो 4 बजे आके खड़ी होकर अपना कर्जा अदा करेगी, अपना कर चुकाएगी, अपना जो फर्ज है वो पूर्ण करेगी, अर्थात तुम्हारे घर के दुख को, तुम्हारे घर के तकलीफ को, तुम्हारे घर के कष्ट को वो गौ माता खींच लेगी। वो तुम्हारे दरवाजे से अपने आपके दुख को खींच कर ले जा रही है, वो आपके कष्ट को खींच कर ले जा रही है। और कृपा की ना होती जो आदर
तुम्हारी तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी गरीबों के दिल में जो जगह तुम न पाते तो किस दिल में होती ये बात तुम्हारी तो किस दिल में होती ये बात तुम्हारी। यदि आप परमात्मा का भजन कर रहे हो तो परमात्मा ये नहीं देख रहा कि तुम सेठ हो कि गरीब हो कि अमीर हो कि साधारण हो, उसने ये नहीं देखा। परमात्मा तो केवल ये देखता है कि तेरा मन कितना पवित्र है, तेरा दिल कितना पवित्र है, तेरा हृदय कितना पवित्र है। ए मेरी वनी की जीजियों और मेरे वनी के जीजाओं, बहुत सावधानी से सुनना। घर में मंदिर बनाना सरल है, पत्थर का खरीद लाओ रख दो, लकड़ी का खरीद लाओ रख दो, फर्नीचर का बना लो तैयार कर लो। घर में मंदिर बनाना सरल है, शिव पुराण कहती है दिल को मंदिर बनाना कठिन है। घर में मंदिर बनाना सरल है पर दिल में मंदिर बनाना कठिन है। दिल में मंदिर नहीं बनता, कब तक मंदिर है दिल में? जब तक कथा सुन रहे हो तब तक। थोड़ा बहुत जिंदगी में दुख आया कि तुम्हारा मंदिर छार छार, आज के बाद मंदिर नहीं जाऊंगी, भगवान तो मेरी सुनता ही नहीं है, पानी का लोटा उठा के रख दिया, अब नहीं जाऊंगी, पर वो जल चढ़ा